हाथ ताली हो सकल का सीख चाहिए टीचर के लोगों को नमस्कार प्रणाम। ये राठौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद विनंती है। टीचर में आप सबका स्वागत है। मैंने कैसे बोला था, पीटी शुभेच्छा बालूभाषा रोई हो दो लोगों के नाम लूंगा। कमाल मौलिक जी जो पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और राजा पाल चौधरी, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। छोले फिल्म का डायलॉग चाहिए। अरे चुप चुप, फिल्म का डायलॉग चाहिए क्या? चाहिए तो फ्री में चाहिए। पैसे निकाल, फ्री में चाहिए। ऐसे बोलते लोग फ्री में चाहिए। भाइयों मेरी बहनों छोड़ो, बोल दिया। आज मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की तरफ से मैं अमेरिका जा चुका हूँ, इंग्लैंड जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी आइलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिजी आइलैंड, मॉरिशस, मगर जो सम्मान कलाकार का जो सम्मान सिलसिले में हुआ है, हम ये बोल रहे हैं। कलाकार के पास बड़े बड़े बंगले हो, मोटरें हो, गाड़ियां हो, स्विमिंग पूल हो, पति पत्नियां हो, कुछ भी हो, मगर दर्शन के कारण नहीं हो तो सब अंडा सब बेकार। तो ताली बजाने में कंजू से मत करो, बजाओ। आपकी ताली और आपकी सीटी हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ये मेरा खून बढ़ गया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अत्यंत तरह से, प्रेसिडेंट साहब पूजा कमेटी की तरफ से, और आपने पूरे हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। आपने मेरा सम्मान नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान किया। तालियां। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली फेंक रहे हो, जूता मारो, क्या मारो, मगर ये मैं राजा पाल चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये रूबरू मुलाकात का मौका है। हाँ, वर्तमान मॉडल जी जो हमारे पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। अरे चुप रे, बोलना मुझे तू बोल रहा है। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी तादाद में इतने दर्शक कभी नहीं देखे। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टेलीविजन पे आप देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। ये रूबरू मुलाकात का मौका है, मेरे लिए बहुत कमाल का मौका है। तो मैं आप सबका नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपने मौका दिया। मैं पूजा कमेटी का, हमारे साथ आए हुए शुभ सोम जी का, जो हमारे हमको कलकत्ते से मुंबई से यहाँ पर लेकर आए, ये इस भूषण में खड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। हमारे राठौड़ जी, हमारे सिंगर बाथरूम गए। आपने, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, सिलचर में आपने कभी देखा नहीं होगा पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। देखिए सिनेमा के पर्दे पर हमको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है, और वो बोलना पड़ता है ज्यादा जो राइटर लिख ही देता है।
हम इस तरह ही हमारे सामने अभी कोई डायलॉग नहीं, कोई राइटर नहीं, कोई राइटर नहीं, कुछ नहीं। आप मैं हूँ, तुम दोनों हो, हम दोनों हूँ। ये मुलाकात, ये रूबरू मुलाकात, इसलिए बोलता हूँ आपको। आपने 60 ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में 1960-70 में देखा होगा, 70 साल का हीरो अपनी माँ को आके बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास के पास। माँ बोलते राजू तू स्कूल को गया था, हराम बोल। हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं, बरसात होती है, बर्फ गिरती है, एक झोपड़ी में घुस जाते हैं, आग जलाते, रात भर गाना गाते, सुबह से हिरन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज क्या मुंह दिखाऊंगी। तू झोपड़ी में गई क्यों, तेरे बाप ने बोला था। बाप कौन? डायरेक्टर बोल रहे थे झोपड़ी में घुस जा, और सुबह उठते सती शास्त्री का नाम बोल। मैंने एक एक्टर देखा नजीर हुसैन साहब मर गए, बहुत अच्छा हुआ, वो हर फिल्म में अपनी मरी हुई औरत की फोटो से बात, 22 साल से हर फिल्म में अपनी मरी हुई औरत से बात करते थे। राजू की वाह, काश तू जिंदा होती, अपनी आंखों से अपने बेटों के कद्दू देखती, सब हराम घोर निकले। 22 साल से अपनी मरी औरत की फोटो से बात कर रहे, जो जिंदा औरत है अगले रूम में 23 साल से उससे बात नहीं करी। ये होता है। अभी एक डायरेक्टर ने मुझे बोला, कभी फिल्म देखने चुप रहे, इतनी दूर से आया हूँ, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा हूँ, आवाज मत दे, बोलेंगे यार बेटा बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तू तो निकल गया यहाँ से, अगर डायलॉग सुनेगा हमारे एक फिल्म आई थी निशाना, जितेंद्र हीरो, राघवेंद्र राव डायरेक्टर, पूनम ढिल्लो हीरोइन, और मैं उसमें कॉमेडियन। मुझे उसने बोला तुम पेड़ के नीचे खड़े हो, अच्छे डायरेक्टर, बहुत बड़ा। मैं क्यों बोलता हूँ ये, हमको करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है। मुझे बोला तुम लड़की, तुम्हारी प्रेमिका आई नहीं, लड़की आई नहीं है, तुम क्या करोगे? मैंने कहा बोलो। बोले तुम नीचे खड़े हो पेड़ के नीचे। मैंने कहा मैं खड़ी थी, तुमको आई क्यों नहीं खाली? मैं बोले नहीं, तुम पेड़ की पत्तियां खाओगे। मैंने कहा मेरी माँ बकरी थी, मेरा बाप जानवर था, मगर बोलो करना पड़ेगा। अभी टेलीविजन की फिल्म आती है निशाना, उछल उछल के मैंने पत्तियां खाई जानवरों की तरह करना पड़ेगा, मगर ये रूबरू मुलाकात है इसलिए कुछ नहीं करना पड़ता है। मगर रूबरू मुलाकात कई बार भारी पड़ जाती है। कभी आप मुंबई आइए, वहां पे एक फिल्म छुट्टी है, वहां पे 8 शूटिंग एक साथ होते हैं। एक तरफ शाहरुख खान की शूटिंग चल रही थी ओम शांति ओम, दूसरी तरफ मेरी चल रही थी अपने कौन सी भूल भलिया। तुम मेरे पास से पति बन गए, एक 6 महीने का बच्चा लेके। बोले ऐसा नहीं, तेरी फिल्म ने बहुत देखी यार, इसको गोद में ले लिया। मैंने ले लिया और फोटो खिंचवाई, सामने शाहरुख खान की गाड़ी आई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गया। अरे मैंने कहा तेरा बच्चा? बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान का मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जन है, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हमारी जेल में सुराग, नहीं देखाओ आदमी को जाओ, बाकी सब राजा पाल चौधरी के पीछे जाओ। हमारे जासूस इन जेल के कोने कोने फैला हुआ है, हमारे हुक्म के बिना।